हेलो फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर रिचा दुबे अगेन वेलकम टू क्लास ई साइंस कक्षा तो हमारे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम लेंगे सोइंग ऑफ़ सीड्स टॉपिक हमने इससे पहले के वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉयल आपके साथ डिस्कस किया था एंड आज का जो टॉपिक है इज सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीजों की बोआई सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक सोइंग ऑफ सीड्स

नेक्स्ट स्टेप है दूसरा स्टेप है और इसमें जो किसान का जो रोल होता है जो फार्मर का रोल होता है वो बहुत ही एक्टिव और इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मुख्य रोल किसान ही निभाता है तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जब हम बीजों को बोने के लिए तैयार होते हैं तब जो हमारे किसान हैं उनको सबसे पहले एक काम ये करना चाहिए कि उनको अच्छी क्वालिटी के बीज को जो है सेलेक्ट करना चाहिए उनका चयन करना चाहिए जिससे कि उनको अपनी फसल में अच्छा उत्पादन मिले और साथ ही जो बर्बादी है वो भी कम हो तो सबसे पहले ज़रूरी ये काम है फार्मर का किसान का कि वो अच्छे बीजों का चयन करें सेलेक्शन करें जो कि अच्छी ईल्ड दें जो अच्छी उपज दें सो फॉर सेलेक्शन ऑफ सीड्स सो बीजों को सेलेक्ट करने से पहले Uh, जो है हमें बीजों को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या मुख्य बातें ध्यान देनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे पहला है सीड्स शुड बी वाइबल विथ हाई परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन हमारे जो बीज होने चाहिए वो वाइएबल होने चाहिए यानी कि लाइवली और आप कह सकते हैं विच आर कैपेबल टू जर्मिनेट जो कि अंकुर रण करने में सक्षम हो सकते हैं उनको वायबल कहेंगे तो जो हमारे बीज होते हैं वो जीवित होने चाहिए अंकुरित करने में सक्षम होने चाहिए और उनका जो जर्मिनेशन है उनका जो अंकुरित करने की क्षमता है वो उसका भी परसेंटेज उसकी भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए दूसरा है इंसेक्ट एंड पेस्ट फ्री हाई ईड वेराइटी ऑफ सीड शुड बी सेलेक्टेड जो हम अच्छी नस्ल की अच्छी वेराइटी की जो हम बीज को सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंसेक्ट और पेस्ट फ्री होनी चाहिए यानी की कि वो कीट मकोड़ों से रहित होनी चाहिए उसमें उसका कीट और मकोड़ों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए वो एकदम अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए एंड इट शुड बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स बिफोर सोइंग और बीज बोने से पहले जो हमारे सीड्स होते हैं बीज होते हैं उनको हमें फंगीसाइड्स, यानी कि जो है हमको उनको जो फफूदी नाशक जो स्प्रे होते हैं केमिकल्स होते हैं उससे उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है अब हम घर में भी एक फंगी साइड तैयार कर सकते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग इसका भी उपयोग करते हैं जैसे कि आप बेकिंग सोडा और पानी का मिक्सचर बना लीजिए और उसको भी फंगी साइड्स के तरीके से प्रयोग किया जा सकता है बीजों में तो उससे भी बीज अच्छे होते हैं और वो बाद में जाके अच्छी उपज देते हैं मैक्सिमम उत्पादन देते हैं अब आता है वाइल्ड सोइंग सीड्स अब जब हम बीज लगाना शुरू करते हैं तो हमें किन किन मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए इट शुड बी सोन प्रॉपर एयर वाटर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। बीज बोने से पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि बीज बोते वक्त हमको उसको सही डिस्टेंस सही दूरी पर लगाने बहुत जरूरी है इसलिए लगाना जरूरी है जिससे कि उनको अच्छी हवा पानी धूप और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व तो आसानी से मिल सके इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो भी हम बीज लगाएँ उन सबकी डिस्टेंस जो उन सबकी दूरी है वो एक जैसी होनी चाहिए मतलब कि एक एक मीटर का अगर हमने डिस्टेंस रखा है मान लीजिए तो सब बीजों में एक एक मीटर डिस्टेंस या दूरी होनी चाहिए जिससे कि उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी हवा धूप और पोषण तत्व तो मिल सकें जिससे कि उनकी जो ग्रोथ करने की क्षमता है वो अच्छी हो सके दूसरा है इट शुड बी सोन एट राइट डेप्थ और बीज लगाने से पहले ये भी हमको ध्यान देना चाहिए कि उसकी जो गहराई है वो भी ठीक होनी चाहिए ना ही बीज बहुत ही हम सरफेस लेवल से नीचे ज़्यादा लगाना चाहिए और ना हमें बहुत ही टॉप सरफेस पे लगाना चाहिए जो बीज लगाना है हमको उसकी जो गहराई है वो भी ठीक होनी चाहिए जिससे कि बीज आसानी से जर्मिनेट कर सके अंकुरित हो सके और बाद में हमको अच्छी फसल मिल सके अब आते हैं टूल्स फॉर सोइंग सीड्स बीज को बोने के लिए जो उपकरण यूज़ होते हैं इस्तेमाल होते हैं ये उनके बारे में जानते हैं पहला है ट्रेडिशनल टूल ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, जो पहले के समय में जो उपकरण यूज़ होते थे उन्हें ट्रेडिशनल टूल कहा जाता था आज भी बहुत सारी जगह तो हम लोग मशीन्स बहुत सारी तरीके की आ गई हैं उपकरण के उपकरण जो हैं वो मशीन के तौर पे हैं मगर पहले के समय में कुछ परंपरागत टूल यूज होते थे उपकरण यूज होते थे और आज भी बहुत जगह गांव में परंपरागत उपकरणों का उपयोग होता है सो ट्रेडिशनल टूल के बारे में आइए जानते हैं इट इज़ फनल शेप्ड टूल अटैच टू प्लो ये आप लोग देख रहे हैं प्लो मीन्स हल तो इसमें आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये एक फनल शेप्ड मतलब कीप के आकार का उपकरण होता है जो कि हल से जुड़ा हुआ होता है अटैच होता है सीड्स आर फिल्ड इन फनल एंड passes थ्रू टू और थ्री pipes, परसिंग द soil एंड प्लेसिंग द सीड्स इन soil. इसमें क्या किया जाता है कि इन फनल में सीड्स को बीजों को डाला जाता है और वो फनल जो है दो और तीन पाइप से अटैच होते हैं तो जब बीज हम फनल में डालेंगे तो वो उन पाइप से निकलेंगे और वो जो पाइप हैं वो मिट्टी में छेद करती हुई जाएंगी और इस तरीके से बीजों को साथ में वो लगाते हुए गाड़ते हुए चले जाते हैं तो ये ट्रेडिशनल टूल है दूसरा आता है सीड ड्रिल इट कंसिस्ट ऑफ ए फनल अटैच एट द टॉप विद वर्टिकल ट्यूब्स सीड्स आर पुट इन द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वर्टिकल ट्यूब्स अटैच टू द फ्लो ये सीड ड्रिल सीड ड्रिल में क्या होता है कि आप इसको फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं इसमें फनल जो है ऊपर अटैच होता है टॉप पे और उसके नीचे वर्टिकल ट्यूब्स खड़े हुए आकार के खड़े खड़े आकार के ट्यूब्स लगे होते हैं फिर क्या किया जाता है कि बीजों को फनल में डाला जाता है और वो बीज जो है वर्टिकल ट्यूब्स के माध्यम से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनको लगाया जाता है सॉयल में और जो कि हल से अटैच्ड होते हैं प्लो से अटैच होते हैं तो ये आप फिगर के माध्यम से भी समझ सक रहे हैं समझ सकते हैं तीसरा आता है ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टर को हम आम भाषा में छिटका बुआई भी बोलते हैं इस मशीन को छिटका बुआई भी बोला जा सकता है वैसे तो हम लोग इसको ब्रॉडकास्टर ही बोलते हैं तो ब्रॉडकास्टर इज अ वाइड माउथ ट्यूब दैट स्प्रेड सीड्स रैंडमली ऑन द ग्राउंड आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एक बहुत खुले आकार का बड़े आकार मुंह के आकार का ट्यूब है जिसमें कि बीजों को डाला जाता है और बीज जो है रैंडमली ग्राउंड में बिखेरे जाते हैं स्प्रेड किए जाते हैं रैंडमली मीन्स कोई भी प्रॉपर मैनर में नहीं मतलब कि बेतरतीब ढंग से कहीं भी उनको स्प्रेड या बिखे दिया जाता है फिर आता है हमारा मैथड्स ऑफ सोइंग सीड अभी हमने उपकरण के बारे में पढ़ा कि बीज को बोने के लिए कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीजों को लगाया जाता है बोया जाता है तो पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग स्कैटरिंग ऑफ सीड्स रैंडमली ऑन द फील्ड ब्रॉडकास्टिंग मेथड में इस तरीके में जो भी बीज हैं उनको रैंडमली जो है बेतरतीब ढंग से या फिर बिना प्रॉपर मैनर के इम प्रॉपर मैनर में सीड्स को जो है ग्राउंड में फील्ड में बिखेर दिया जाता है इट इज़ डन बाय हैंड और ब्रॉडकास्टर ये हाथों से भी किया जा सकता है और ब्रॉडकास्टर मशीन या टूल से भी किया जा सकता है ब्रॉडकास्टर टूल आ, हमने आपको ऊपर दिखाया है जिसको आप देख सकते हैं कि उसके थ्रू भी हो सकता है और आप फिगर में भी देख रहे हैं कि इसको हाथों के द्वारा भी किया जा सकता है तो ब्रॉडकास्टिंग जब हम हाथों से करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी ये हैं इसकी कुछ हानियाँ ये होती हैं कि इससे जो बीज है उसकी बहुत ही बर्बादी होती है बीज की बर्बादी होती है क्योंकि जो किसान है अगर वो हाथों से बीजों को इस तरीके से बिखेरेगा तो वो बीज इधर उधर कहीं भी जाके गिर जाएंगे तो बीजों की बर्बादी होती है साथ ही जो बीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे फील्ड में प्रॉपर तरीके से नहीं होता अगर हम बीजों को कहीं भी फेंक देंगे तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो उनका जो उनको जहाँ जहाँ जाना चाहिए प्रॉपर ढंग से नहीं होंगे कहीं ज़्यादा कहीं कम बीजों को बीजों का बीज गिरेंगे बीज फैलेंगे बिखरेंगे तो वो इम डिस्ट्रीब्यूशन होता है साथ ही निराई गुड़ाई यानी कि वीडिंग स्प्रेइंग और हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप तो जो निराई गुड़ाई है जो काटने जो हार्वेस्टिंग करेंगे हम फसल जब बड़ी हो जाएगी उनको काटना इन सारी स्प्रेइंग करने में इन सारे प्रोसेस में दिक्कत आती है जब हम ब्रॉडकास्टिंग हैंड के थ्रू हाथों के थ्रू करते हैं तो चौथा है कि जब इसमें क्या होता है इस तरीके से बिखेरने से ओवर परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉप हो जाती है जो फसल होती है वो अच्छी तरीके से उग नहीं पाती है क्योंकि उसका जो पानी और जो पोषक तत्वों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो दिया जाता है वो बहुत ही गलत तरीके से हो जाता है मतलब कि सही तरीके से नहीं हो पाता है पानी और पोषक तत्वों का जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो दिया जाता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो हो पाता है तो इस कारण क्या होता है जो फसल होती है उसका परफॉर्मेंस उसकी ग्रोथ बहुत ही उस जो है ख़राब हो जाती है वो अच्छी तरीके से उग नहीं पाता है कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे क्योंकि कहीं पानी और खाद ज़्यादा मिल गई है ऐसी स्थिति में और कहीं आप देखते हैं कि वो पौधे बहुत ही छोटे हैं या ढंग से जर्मिनेट ही नहीं हो पाए हैं या ढंग से उनकी हाइट नहीं हो पाई है वो अच्छी इल्ड नहीं दे पाते हैं इस कारण से और इसमें ये भी है इसके फ़ायदे कुछ ये भी हैं कि इसमें समय और मेहनत बहुत ही कम लगती है क्योंकि जो इसमें किसान है जो व्यक्ति है वो जो है बहुत जल्दी से इसको हाथों से बिखेर देते हैं बीजों को तो उससे समय और जो है मेहनत की बचत होती है बहुत ही कम टाइम लगता है मिनिमम टाइम लगता है और मिनिमम लेबर लगती है तो हमने ब्रॉडकास्टिंग पढ़ा जो कि हैंड और ब्रॉडकास्टर मशीन से किया जाता है अब हम आएंगे सोइंग बाई सीड ड्रिल अब सीड ड्रिल से किस तरीके से बीजों को बोते हैं सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ दिस हेल्प्स टू ऑप्टेन प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स एंड सेव्स टाइम एंड लेबर आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये सीड ड्रिल मशीन है तो इसमें क्या होता है जो बीजों को बोया जाता है इससे ये फायदा है कि वो प्रॉपर डिस्टेंस पे और डेप्थ पे जाके लगाए जा सकते हैं मतलब कि सही दूरी और सही गहराई में सीड्रिल के थ्रू बीज आसानी से लग जाते हैं इससे हमको ये फ़ायदा है और इस ये क्या हमारी फिर मदद करता है ये पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन इससे मिलता है साथ ही जो प्लांट होते हैं उनको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स इसके इससे जो चिड़िया है वो बीजों को नहीं खा सकती हैं उससे बर्ड से चिड़ी से चिड़िया से बीजों का प्रोटेक्शन होता है रक्षा होती है और यह समय और मेहनत सबकी मतलब ज़्यादा इसमें ना समय लगता है और ना ज़्यादा मेहनत लगती है ये समय की बचत करता है और मेहनत की भी बचत करता है फिर आता है ट्रांसप्लांटेशन फ्रेंड्स ये ट्रांसप्लांटेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बहुत जगह पूछा जाता है और इसके एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ध्यान से समझिएगा ट्रांसप्लांटेशन मैथड समीड्स कैन बी नॉट बी सोन डायरेक्टली टू द फील्ड कुछ बीज जो होते हैं वो डायरेक्टली हम फील्ड में नहीं लगा सकते हैं कुछ बीज हम डायरेक्टली फील्ड में नहीं लगा सकते हैं सो दीज सीड्स आर ड्रोन एन नर्सरी टिल सीडलिंग स्टेज तो कुछ बीज जो होते हैं पहले हम उनको नर्सरी में उगाते हैं नर्सरी मीन्स पौधशाला तो हम उनको सीडलिंग स्टेज तक मीन्स अंकुर होने के स्टेज तक हम उनको नर्सरी में लगाते हैं आफ्टर दैन हेल्दी वंस आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड बाई हैंड उसके बाद जब वो अंकुरित हो जाते हैं सीडलिंग स्टेज तक आ जाते हैं अंकुर हो जाते हैं तो हम उसमें से हेल्दी जो हमारे पौध बन जाती है हेल्दी वंस जो कि बहुत ही स्वा मतलब स्वास्थ्य के तरीके से बहुत ही हेल्दी होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं अच्छे दिखते हैं जिसकी ग्रोथ अच्छी रहती है हम उनको सेलेक्ट करते हैं और हाथों से फिर हम उसको लाके फील्ड में जहाँ भी हमको खेती करनी है जहाँ भी हमने उसे फसल को उगाना है उस फील्ड में जाके हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसकी रोपाई कर देते हैं ट्रांसप्लांटेशन को हम रोपाई भी कहते हैं तो इसमें यह होता है कि जो जिन बीजों को हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं लगा सकते डायरेक्ट वहाँ नहीं बो सकते उनको हम पहले नर्सरी में अंकुर होने की स्टेज तक सीडलिंग स्टेज तक उनको वहाँ पे हम उगाते हैं उसके बाद उसमें से अच्छे जो है पौधों को छांट के और फिर हम उसको ला के फील्ड में लगा देते हैं और उसके बाद फिर वो फसल तैयार होती है सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका पैडी यानी कि धान हम धान की रोपाई ऐसे ही करते हैं आप फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पे धान की रोपाई हो रही है तो यहाँ धान की रोपाई ऐसे करते हैं और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद हमको उसमें से चावल मिलता है और दो और भी एग्जांपल्स हैं जैसे टोमेटोज टमाटर की भी खेती इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ही होती है ऑनियन मतलब कि प्याज गार्लिक मतलब कि अदरक स्पिनच मतलब कि पालक पिपर काली मिर्च कैबेज बंद गोभी तो कॉलीफ्लावर फूल गोभी इस तरीके के जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से लगाए जाते हैं सो so, फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आज के लिए इतना और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इरिगेशन और वीडिंग टॉपिक को समझेंगे तो जो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरे पिछले वीडियो देख चुके हैं प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस और जो अभी नए व्यूअर्स हैं नए फ्रेंड्स हैं जो अभी अभी जिन्होंने यह वीडियो पहली बार देखा है प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है प्लीज़ उसे क्लिक करना ना भूलिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं जो कि है रिचा ई कक्षा सो थैंक यू सो मच अगले वीडियो में फिर मिलते हैं